माधवपुरम नामक गांव में शेखर अपनी मां शारदा और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह अपने खेत के लिए बीज खरीदने दुकान पर गया, लेकिन खाली हाथ घर लौट आया। यह देखकर शेखर की मां शारदा बोली, ये क्या शेखर, तुम खाली हाथ वापस आ गए, क्या वे बीज नहीं बेच रहे हैं? तभी रानी अपने पति के लिए ताजा पानी लेकर आई और उनकी बात सुनने लगी। शेखर ने उन दोनों की ओर देखा और उदास चेहरा बनाया। जब शारदा ने पूछा कि बताओ क्या हुआ, तो शेखर ने चिंता से उन्हें देखते हुए कहा, इस बार भी सभी दुकानों पर एक ही तरह के बीज हैं। केवल एक तरबूज का बीज उपलब्ध है, उसने कहा, कोई अन्य बीज नहीं है। तभी रानी ने कहा, अगर हर कोई पिछले साल की तरह ही फसल उगाएगा तो बाजार में अच्छी कीमत कहाँ मिलेगी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, शेखर ने और उदास होकर कहा। शारदा को भी लगा कि बहू ने जो कहा वह सच है, लेकिन उसका अहंकार उसे सच बोलने से रोक रहा था, इसलिए वह चुप रही। रानी ने कहा, चलो इस बार कुछ और काम करते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। शारदा ने तुरंत गुस्से में कहा, हम किसान हैं, हम खेती कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हम किसान जोखिम नहीं उठाएंगे तो बाद में कोई किसान नहीं बचेगा। हालांकि शेखर को रानी की बातें सच लगती हैं, शेखर को ध्यान आता है कि उसकी माँ की बातों में भी सच्चाई है। उसने उन दोनों की बातों पर अच्छे से विचार किया और एक निर्णय पर पहुँचा। शेखर ने कहा, चलो आखिरी बार तरबूज की फसल लगाते हैं। उन शब्दों को सुनकर शारदा को बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। उसने रानी की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। रानी अपनी सास के व्यवहार से बहुत क्रोधित थी। उसने मन में सोचा कि यह जानते हुए भी कि बेटा कर्ज में डूब जाएगा, वह उसे उकसा रही है। उसी क्षण रानी ने निश्चय किया कि वह अपनी सास को सबक सिखाएगी। शारदा ने रानी की ओर देखा और कहा, तुमने कहा था कि तुम उसके व्यवसाय में मदद करना चाहोगी, अब जाओ और खेती में उसकी मदद करो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। शारदा के व्यवहार से शेखर और रानी दुखी होकर एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। करने को और कुछ नहीं था। शेखर दुकान पर गया और बीज ले आया। रानी और शेखर दोनों ने खेतों में हल चलाया और बीज छिड़के। जब तरबूज छोटा था तब रानी के मन में एक बहुत अच्छा विचार आया। यही बात उसने शेखर से भी कही। शेखर भी इस पर राजी हो गया। समय बीत गया। गांव के सभी लोग फसल लेकर बाजार गए। यह जानकर कि उसका बेटा भी उस दिन बाजार जा रहा है, शारदा सुबह से ही बाहर खड़ी रहती है और बाजार से आने वाले लोगों से बाजार में भाव के बारे पूछती है। उनकी बात सुनकर शारदा चिंतित होकर घर के अंदर आई। रानी ने अपनी सास को उदास देख उसने पूछा। शारदा ने रानी की ओर देखा और अंदर ही अंदर दुखी हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे कि बाजार में भाव नहीं मिल रहा है। उस दिन रानी को दुख हुआ कि उसने अहंकार में आकर अपने बेटे को, अपने परिवार को कर्जदार बना दिया। तभी शेखर बाजार से वापस आ गया। शारदा शेखर की ओर देखने का साहस नहीं कर सकी। इससे पहले कि शेखर कुछ बोले, शारदा बोली, मुझे माफ कर दो शेखर, उस दिन मुझे और ध्यान से सोचना चाहिए था। मेरे अहंकार के कारण मैंने तुम्हें और अपने परिवार को कर्ज में डाल दिया है। शारदा की बात पर शेखर और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। शेखर हंसा, माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी फसल बिक गई, ऊपर से हमने बहुत बड़ा मुनाफा भी कमाया है, उन्होंने पैसों को शारदा के सामने रखते हुए कहा।
जब शारदा ने पैसों को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह सुबह से देख रही है। किसी ने भी पूरी फसल नहीं बेची और जिन्होंने भी बेची तो घाटे में बेची। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि शेखर ने यह फसल मुनाफे में कैसे बेच दी और आश्चर्य से शेखर की ओर देखने लगी। शेखर अपनी माँ के मन में चल रहे सवाल को समझकर मुस्कुराता है और कहता है कि यह सब आपकी बहू रानी की वजह से है। शारदा को उन शब्दों से और अधिक आश्चर्य हुआ। उस दिन जब हम बीज लेकर खेत में गए तो न सिर्फ हमारे गांव के बल्कि आसपास के लोगों को भी पता चल गया था, क्योंकि आने वाला मौसम गर्मी का था, तरबूज की अच्छी मांग होगी और सभी लोग एक ही फसल उगाएंगे। रानी ने मुझे अच्छी सलाह दी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या करूं, क्योंकि हमारे गांव में कोई अन्य बीज नहीं थे। उसने मुझे बताया कि हम किसी भी कीटनाशक का उपयोग किए बिना और विभिन्न आकारों में तरबूज को जैविक रूप से उगाएंगे। हमने छोटे छोटे आकारों वाले फलों के डिब्बे भी खरीदे और उनमें तरबूज लगाया। हमने शहर में रानी की सहेलियों के माध्यम से वहां के बड़े होटलों को उनके बारे में बताया, यह जानते हुए कि खाने में स्वादिष्ट होने के अलावा वे स्वास्थ्यवर्धक हैं और उन्हें सुंदर दिखने के लिए सजाया जा सकता है। उन्होंने ऊंची कीमत चुकाई और उन्हें खरीदा, उन्होंने खुशी से कहा। यह सब सुनकर शारदा को विश्वास ही नहीं हुआ, वह आश्चर्य और खुशी से अभिभूत थी। शारदा ने रानी की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो रानी, तब आपकी बातों को अनसुना कर दिया गया था। आज आपने हमारे परिवार को कर्ज में डूबने से बचा लिया है। अगर आपने समझदारी से नहीं सोचा होता तो बाकी लोगों की तरह हम भी घाटे के दलदल में फंस गए होते। अब से तुम भी हमारे व्यापारिक मामलों में शेखर के साथ रहो, उसने अपने फैसले पर दृढ़ता से कहा। यह सुनकर शेखर और रानी उसमें आए बदलाव से बहुत खुश हुए।